वो कलम जिससे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा पर किए दस्तखत। देखें दुर्लभ चीजें। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सैंडर्स की हत्या और 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बम फेंके जाने से पहले भारत की जनता को भगत सिंह के बारे में जानकारी बहुत अधिक नहीं थी। लेकिन इन घटनाओं के बाद न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में भगत सिंह का नाम गूंजने लगा। 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। शहीद दिवस पर देखें उनसे जुड़ी कुछ चीजें। भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली बम केस में इसी गोले का इस्तेमाल किया था। लाहौर की CID ने ये गोला बरामद किया था। भगत सिंह ने अपनी इस घड़ी को थी क्रांतिकारी जयदेव कपूर को तोहफे में दे दिया था। भगत सिंह की कमीज, इसी कलम से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा पर दस्तखत किया गया था। पीतल के दबाव बम, ये लाहौर असेंबली में जजों की टेबल पर रखे गए थे। जैसे ही इनमें कलम डुबोई जाती ये फट जाते। भगत सिंह के जूते, इसे भी उन्होंने अपने मित्र जयदेव कपूर को तोहफे में दे दिया था।